She is IIT graduate from Kharagpur in naval architecture. She is managing a shipbuilding company in Bengal. May I now request Ms. Kakuli Mitra to please come on the dais and welcome the Honourable Minister, please. May I now request Mr. Ganguly. He is Shaibal Ganguly from North Calcutta, and he is a very important and renowned person in the trade body. Now, Dr. Samandra Sunandade, may I request Dr. Sunandade to please come and welcome the Honourable Minister, please. तो आप लोग बेचैन से बैठे हैं सुनने के लिए, तो वो वक्त आ गया है. नाउ मे आई रिक्वेस्ट और ऑनरेबल मिनिस्टर टू शेयर हिज थॉट्स प्लीज. रिस्पेक्टेड पार्थदा और सौरभ और आप सभी सज्जन वृंदन मित्र मंडली, मैं अनुरोध करूंगा, पहले आज तो हम चर्चा चुनाव की टाइम है, मैं भी पूर्व भारत का हूं और कुछ गपशप तो हमारे बीच में होगा, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा पहले 10 प्रश्न लिया जाए, वो अच्छा रहेगा, ज्यादा इंटरेक्टिव होना ज्यादा फायदा होगा. ऐसे आपके अनुभव से, मेरा अनुभव तो इतना नहीं कि मैं आपको भाषण दूंगा, मैं 2-3 विषय जो मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इलाका, ईस्टर्न इंडिया, बंगाल, हम जो सोनार बंगाल कहते हैं, उसकी इम्पैक्ट क्या सिर्फ वेस्ट बंगाल में रहेगा या उसके नेशनल रेमिफिकेशन है. अभी इस इलाका की इंडेक्स ठीक ठाक होगा तो उसकी क्या इम्पैक्ट आएगा. जो पिछले 7 साल से मैं भारत सरकार में काम करने का मेरा कुछ अनुभव हुआ, पिछले 40 साल से मैं सोशल लाइफ में इस इलाका में स्टूडेंट एक्टिविस्ट से लेकर यहां तक पहुंचा हूं, तो मैं 2-3 विषय तो मेरे कल्पना आपके सामने रखूंगा ही, लेकिन उचित होगा थोड़ा आप लोग आपकी मन की जिज्ञासा है सुझाव दोनों विषय थोड़ा भारत सरकार के संपर्क में, हमारी इस सोनार बंगाल कैंपेनिंग के संपर्क में, या आपकी मन में कुछ सुझाव होगा, सुझाव के बारे में मेरा इतना निवेदन रहेगा कि थोड़ा लिमिटेड हो, रिपीटेटिव ना हो, और 10 तक हम लोग इसको अकोमोडेट कर ले, कोई भी शुरू कर सकते हैं. थैंक यू. सो your introduction. I'm Dr. Alok Roy, sir. We have hospitals in Eastern India. Hamara Aspatal Odisha mein bhi hai, Kalinga Nagar mein sir. Tata Medical Hospital we have in Calcutta, we have in Jharkhand, we have in Bihar, we have in Assam. Sir, mera ek hi prashn hai aapse ki kya aap is pradesh ko corruption mukt kar payenge? Ek hi prashn. Nishchit roop mein. Next, please. Oh, Saurabh. I'm Saurabh Das Patnaik. I have a small inquiry. I think, yes, the state of West Bengal is about 90,000 square kilometers, about 100 million population, more than that approximately, and with a glorious past. So, to your mind, with your public life and experience of your student activism, what are the 3 critical factors you think for Sonar Bangla or Sonar Bengal, whatever you're calling it, for the future past? To get the past again back, of course not so easy. What are the 3 critical factors which you think contributed to the future of Bengal? देखिए, हमें लगता है ये एकदम शायद राइट प्रश्न है कि बहुत पुराने दिनों में बंगाल, कोलकाता में, अभी इन दिनों में यद्यपि मैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पिछले 7 साल से काम कर रहा हूं, कैसे भी मैंने हल्दी आना नहीं हुआ था. अभी कुछ हमारी प्रोजेक्ट्स की शुभारंभ के लिए और लोकार्पण के लिए मैं हल्दिया में 4-5 दिन बिताया. मैं होवरक्राफ्ट में बैठ के सागर द्वीप तक गया, तो जब मैं वहां घूम रहा था मेरे मन में एक आइडिया आई
और मैं खुद को बड़ा मेरे में बड़ा इंस्पायर्ड हुआ कि देखो यही इलाका है भारत की, विशेष करके ईस्टर्न पार्ट ऑफ भारत की जो मेरी टाइम इकोनॉमी बनी थी। आपको हुआ था कहां से, अंग्रेज आए हुगली नदी में अंदर कहां से आए, तो सागर नदी के पास ही तो आए होंगे, हुगली हल्दिया दोनों रिवर की जो रिवर फ्रंट था उसी से अंदर तो यहां तक आए। उस इलाका में एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, बंगाल की एक एक, बंगाल में मैं सोशल साइंस का विद्यार्थी हूं, मैं कभी कभी बंगाल को समझता हूं। बंगाल में दो थ्योरी साइमल्टेनियसली चलता है, बंगाली प्राइड और नेशनलिज्म। यूजुअली देखो दक्षिण में क्या हुआ है, दक्षिण में द्राविडियन प्राइड और सदर्न प्राइड कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है नेशनल प्राइड के साथ, हिंदी नहीं चलेगा। बंगाल में कम लोग हिंदी समझते हैं। मेरे को एक अच्छा चीज लगा, मैं जब रास्ते में जाता हूं एक भी, मैं कलकत्ता शहर में भी घूम रहा हूं, कोशिश करता हूं कि कौन से इलाका में हम क्रॉस कर रहे हैं, एक भी बोर्ड में इंग्लिश नहीं है। ये कोई खराब चीज नहीं है, ये कोई खराब चीज नहीं मैं मानता हूं। इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए क्या, अन्य भाषा नहीं सीखनी चाहिए क्या, ये अलग विषय है, सीखनी चाहिए। लेकिन बंगाली प्राइड, बंगाली कल्चर, बंगाली साहित्य और बंगाली डायस्पोरा, ये अपने आप में बंगाल की एसेट है, भारत की एसेट है। साइमल्टेनियसली बंगाल में कभी भी पैरोकियलिज्म नहीं रहा, कभी नेगेटिविटी नहीं रहा। बंगाल के जो सब बड़े लोग बने हैं, रामकृष्ण, विवेकानंद, ऋषि पांच के हम कहें, दो चार पांच सेंचुरी की बात कहें, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, योगी अरविंद, नेताजी, श्यामा प्रसाद, इन किसी की भी एक विचार को उठा के देखिए इंटरनेशनलिज्म और नेशनलिज्म भरा पड़ा है। साइमल्टेनियसली बंगाली प्राइड भी उतनी पैरेलल है, ये है बंगाल। चलो जैसे जैसे भी हमने जर्नी किया, बंगाल की जो इतिहास, जो आज बंगाल है उसमें से काफी बड़ा इतिहास है, उसको छोड़ दीजिए थोड़ा दो मिनट, फिर आगे क्या करेंगे। आपने जैसे कहा कि भाई तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होने चाहिए सोनार बंगाल को रियलाइज करने के लिए, हमें लगता है कि पहले बंगाल में ना, बंगाल की वर्किंग कल्चर को, वार कल्चर को, बंगाल की वार कल्चर को पहले रीएस्टैब्लिश करना पड़ेगा। बंगाल ऐसे नहीं था, बंगाल ऐसे होता मूल तौर बाई कैरेक्टर, बंगाल में इतने डेवलपमेंट नहीं होता हिस्टोरिकली। मेरी टाइम ट्रेड यहीं से नहीं जाता, कोलकाता यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी कॉलेज का प्रोडक्ट ऐसे नहीं थे। जो हुआ पिछले दिनों में 60s 70s 80s 90s, ये पिछले एक दो दशकों में जो हुआ वो हमारी रिसेंट पास्ट है, कहीं ना कहीं डिरेल्ड हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना एंड रूल ऑफ लॉ को एडियर करना, हमें लगता है कि बंगाल को पटरी में लाने के लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी है वार कल्चर और रूल ऑफ लॉ को अडियर करवाना, ये पहला काम करना पड़ेगा। दूसरी ओर जैसे मैंने शुरू में कहा, बंगाल की कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन सोसाइटी को, ग्लोबल सिविलाइजेशन को, इंटेलेक्चुअलिज्म। संयोग से, सौभाग्य से, कुछ समाज जन्म से सरस्वती के पुत्र होते हैं। आप, मैं कोई विभेद करने वाला आदमी नहीं हूं, फिर भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे इलाका को आप एनालिसिस करो, या विश्व में अफ्रीका में इतने बड़े पॉपुलेशन है, अफ्रीका में इतने नेचुरल रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी और किसी की मोनोपोली बची नहीं। तीन तो चीज चाहिए, एक मार्केट चाहिए, रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स को कन्वर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। ये सारे के बाद अफ्रीका में क्यों नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी सोसाइटी में, इंडिजिनस सोसाइटी में वो कैपेसिटी होनी चाहिए। हमें लगता है कि ये चैलेंज भारत में भी है, ये चैलेंज भारत में भी है। भारत में
कोई भी चीज को, कोई मॉडर्न अप्रोच को, इनोवेशन को, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और कैप्चर करना, जिस सोसाइटी में जितना कैपेसिटी है वो सोसाइटी इतना प्रस्फुर होगा। फिर मैं कह रहा हूं कुछ डाइकोटोमी ध्यान में आती है कि भाई ये सोसाइटी में तो सारा है, आपने यहां 10 करोड़ लोग कहा, कभी मैंने हिसाब लगाया ईस्टर्न इंडिया में, जब हम ईस्टर्न इंडिया कहते हैं भारत कलकत्ता, तो एक समय में म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान का इलाका का एपिसेंटर था, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, अभी हिस्ट्री है वो। अभी अगर हम यूपी के गोरखपुर से लेके, यूपी से गोरखपुर से लेके आप गंगा सागर तक जाइए, पूरी धाम तक जाइए और पूरा परशुराम कुंड ईस्टर्न पार्ट में ब्रह्मपुत्र नदी जहां एंट्री होता है वहां तक जाइए, लगभग इसमें 50 करोड़ लोग रहते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, एंटर नॉर्थ ईस्ट। इसको थोड़ा आग बन करके देखिए, ग्लोबल पॉपुलेशन की कितनी परसेंट है, ग्लोबल पॉपुलेशन है 700 करोड़ लोग, उसमें 50 करोड़ लोग में नियर 10%, 8-9% लोग यही रहते हैं जो, और 21 करोड़ लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आर दे बांग्लादेश, म्यांमार, मैं वहां घूमा हूं, साउथ ईस्ट एशिया की मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे जो आसियान की 10 कंट्री, इनकी कहीं ना कहीं कल्चरल रूटीन, इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन एंड सारे चलाने के लिए इंटेलेक्चुअल मैन पावर, इनकी दृष्टि इसी इलाके के पास है। दैट मीन्स 10-12% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन का एपी सेंटर कोलकाता हो सकता है, बंगाल हो सकता है। इसलिए जब हम सोनार बंगाल की बात कहते हैं, उसकी अर्थ यह नहीं है, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में 12-13 जिले में दीदी और भाई को निकाल देना और एक कोई नया गवर्नेंस ले आना, ऐसा नहीं है। आपने पूछा करप्शन करोगे कि नहीं करोगे, हम कहेंगे तो अगले बार निकल जाएंगे, अभी नहीं चल सकता है। अभी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, इनोवेशन, इनके जमाने में, अभी किसी ने कहा मेरे को, कोई मेरे मित्र मेरे को कहा, हम ऐसे गपशप मार रहे थे, आपकी जेब में एक स्पाई है, आपको मालूम होगा ही, आपकी फोन जो एप्पल फोन है, सबके पास एप्पल फोन है, एप्पल फोन में आप सीरी कभी कभी ऑन करके रखते हैं, आप जो गपशप मारते हैं, आपको चिप्स बालीगंज में खाना अच्छा लगता है, अचानक 2 दिन के बाद चिप्स बालीगंज की एक मैसेज प्रॉपअप करता है आपके पास, हमने कभी उसमें इंटरनेट में आपने फोन पे हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन कहा सिर्फ, अरे यार चिप्स बालीगंज बहुत दिनों से नहीं गए, या मेनलैंड चाइना में चलो खा के आते हैं, मैं कभी कभी तो आता हूं, वो जो आजकल है कि नहीं पता नहीं, राइटर्स बिल्डिंग के नीचे जो कॉन्टिनेंटल फूड मिलता है, जेब में पहले स्टूडेंट के दिनों में पैसा नहीं होता था, ताज और ग्रांड को दूर से दिखते थे, वहां जाके हम राइटर्स बिल्डिंग के नीचे सूप पी के चले जाते थे, रात में पूरी एक्सप्रेस में बैठ के निकल जाना। ये जो गपशप होती थी, ये आज टेक्नोलॉजी कैप्चर कर रहा है, दुनिया यहां तक पहुंच चुकी है। उस समय में बंगाल में ये जो 3 चीज, लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ एंड यूटिलाइजिंग द इंटेलेक्चुअल मैन पावर, और इसकी परिसीमा कहां होगी, इसकी बाउंड्री कहां होगी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत होगा। आत्मनिर्भर भारत की अर्थ 2 हो सकता है, हम सारा चीज अपने ही लिए बना लेंगे, ऐसा नहीं है। वो जमाना अभी देखो, एक समय में वो ठीक था, कुछ लोगों ने कहा कि क्या बात करते हो, तो ग्लोबल इकोनॉमी से आप टूट जाओगे क्या, दूर हो जाओगे क्या, ऐसा नहीं। मैं कभी भी आता हूं तो यहां श्री लेदर जाता हूं, श्री लेदर एक ग्लोबल ब्रांड है आज के दिनों में, अफोर्डेबल और क्वालिटी हम दे सकते हैं। पीपी किट हम लोग पिछले साल अप्रैल महीने में हमारे पास देश में एक भी पीस सिलता नहीं था, एक भी पीस, आज हम नेट एक्सपोर्टर हैं। वैक्सीन, मेडिसिन, कभी कल्पना करें, हम
60 साल पहले 70 साल पहले PL-14 की गेहूं, सड़ी हुई गेहूं अमेरिका से लाना पड़ता था, हमारी फूड स्कैर्सिटी इतनी थी। आज हम सरप्लस तो फूड में है ही, हम मेडिसिन, क्लोरोनाइज मेडिसिन और इस बार वैक्सीन, हम ग्लोबल फार्मेसी बन रहे हैं। हमारी जो कैपेसिटी हो रहा है, उसकी ग्लोबल कंट्रीब्यूशन हो सकता है। उसमें फिर मेरे को लगता है, कि भारत के अंदर अगर हम थोड़ा रीपोजिशनिंग और एनालिसिस करें, आप देखोगे भारत में भी यंग पॉपुलेशन नहीं ज्यादा है, परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की ज्यादा इधर ही है, एस्पिरेशनल सोसाइटी इधर ज्यादा है। पूरा आप जाओगे वेस्टर्न इंडिया में और सदर्न इंडिया में यंगस्टर्स न्यू जर्सी में बैठा जाते हैं, यंगस्टर्स जाके यूरोप में घूम रहा है, वहां नौकरी कर रहा है, कनाडा घूम चुका है, हमारे वहां वो टाइम आया नहीं। हमें आने वाले 20-25-30 साल, इसीलिए हमने उसको सोनार बंगाल कहा है, ये नॉट ओनली मीन फॉर वेस्ट बंगाल, सोनार बंगाल मीन्स रिवाइविंग द ओल्ड सिविलाइजेशनल इकोनॉमी कल्चर, जिसमें हम ये कोई हम तो अभी कल मेरे को सऊदी अरबिया की एनर्जी मिनिस्टर साहब का फोन था, बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं हम एक नया शहर बना रहे हैं। आप अगर सऊदी अरब के मैप को ऊपर देखोगे, नियॉन सिटी वो बना रहे हैं, नियॉन सिटी में मन ही मन सोच रहा था मैं कलकत्ता में हूं, आप वहां नियॉन सिटी, हम तो यही राजारहाट बना रहे हैं, सोनार बंगला में हमारा राजारहाट बनेगा, न्यू टाउन हम बनेगा, नियॉन सिटी बना रहे हो। हमें कोई किसी को नया कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, रिक्रिएट करना पड़ेगा। इसीलिए ये तीन जो चीज, रूल बुक, लॉ एंड ऑर्डर एंड यहां का जो मूल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है उसको एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जोड़ना, तो जो जो वाइब्रेशन खड़ा होगा, इसमें चक्री निकलेगी, इसमें राज्य की रेवेन्यू बढ़ेगी, राज्य के पास रेवेन्यू होगा, एजुकेशन हेल्थ इसमें खर्चा होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होगी। बंगाल की आप लोग सब घूमने जाते होंगे, बंगाल की दार्जिलिंग से लेकर गंगा सागर तक जितने नेचुरल ब्यूटी है, जितना हिस्टोरिकल पॉइंट्स है, उसी को अगर ठीक से हम, या हमारे बाजा जी जिससे रूम जिस स्टैंडर्ड का बनाए हैं ना, उस स्टैंडर्ड के 2-5 होटल बना दें, टॉयलेट बना दें, सेफ्टी खड़ा कर दें, ये बड़ा चीज। हमारी बंगाली सोसाइटी में जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है इसको थोड़ा रिसफर कर दे, बंगाल की इकोनॉमी में 2-4 हजार करोड़ रुपया नया ज्यादा आ जाएगा, और ज्यादा पैसा आएगा तो खर्चा तो यही नहीं होगा ना। ये हमारी कल्पना सोनार बंगाल की है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, मिस्टर दासगुप्ता। गुड मॉर्निंग सर, आई एम सुमित दास, आई एम होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द पावर कंपनी 100 years old। सर, फॉर वेस्ट बंगाल में फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। हमको ये आपको सवाल है कि जो आपको गवर्नमेंट ने लॉट ऑफ प्रोएक्टिव एक्शन हैज टेकन ऑलरेडी फॉर पावर सेक्टर रिफॉर्म, कैन यू से समथिंग अबाउट द टोटल प्लान ऑफ योर गवर्नमेंट फॉर द पावर सेक्टर रिफॉर्म व्हिच विल बी एप्लीकेबल टू वेस्ट बंगाल ऑल्सो। देखिए, इस बार बजट में आपने देखा, मैंने पढ़ा ही होगा कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जो स्टेट मोनोपोली है उसको तोड़ा है, डी लाइसेंसिंग किया। आप क्या आरपीजी में है? इंडिया पावर। ये जो हमारे विनायक जी का श्रेय वाला, तो इन्होंने लिया बाद में लिया, टुकड़े टुकड़े में जिनको पैसा दिया था, कन्होजी ऐसा बुद्धिमान आदमी है, उनको मेरा रिगार्ड्स कहना, सबको इकट्ठा कर लिया, है ना, और भी कुछ लिया ना, ठीक अच्छा क्या है, दैट्स अ गुड मॉडल। गवर्नमेंट, हम तो कहते हैं गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी द बिजनेस। हम क्यों चलाएं बिजनेस? हम पुलिस को ठीक रखें, समाज में डर भय खत्म हो, ये हमारी चिंता है। हमको पावर जनरेशन, हमको होटल चलाना, हमको
टूरिस्ट मैंने ट्रांसपोर्टेशन नहीं चलाना है, हाँ ये बात है। तोलाबाजी नहीं करना चाहिए, आप बस करोगे हमारी कल्पना रहेगा, आप बस चलाओगे ड्राइवर कौन रहेगा आप तय करोगे, पार्टी तय नहीं करेगा। आपकी फेयर कितना होगा आप तय करोगे। आपने पावर के बारे में कहा, इस बार हमने सबसे बड़ा रिफॉर्म दो तीन किया है इन दिनों में, हमारी मोदी जी की दिल्ली में सरकार बन, पावर की रिक्वायर रॉ मेटेरियल क्या है, पावर की रॉ मेटेरियल है कोल। कोल अभी तक कोल इंडिया की मोनोपोली में था, पहली बार हमने कोल को अनलॉक किया है, अनबंडल किया है। एक मूल प्रश्न को आप जैसे लोगों को समझना पड़ेगा, और आप ही लोग कर ही रहे हो, आप लोग तो हमारी उस मामले में इंस्पिरेशन हो, क्या ये सोसाइटी की रिसोर्स उस कंपनी में काम करने वाला, स्टेट ओन कंपनी में काम करने वाला कर्मचारियों का है या बंगाल और भारत के नागरिकों का है? ये मूल एक फंडामेंटल प्रश्न है। ये रिसोर्स तो सोसाइटी का है, चलाने वाला को लगता है कि मेरा है इसलिए सरकारी कंपनी चले, इसलिए लंबे समय तक हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा कोल, थर्मल कोल। थर्मल कोल लंबे समय में चलने वाला नहीं है, 10-20 साल के अंदर थर्मल कोल बंद होगा। ग्लोबल में जो क्लाइमेट चेंज वगैरह की जो प्रेशर डेवलप हो रही है, इसमें हमको कोयले को बदलना पड़ेगा और कुछ जाएंगे, गैस वगैरह लाना पड़ेगा, बायोमास को जाना पड़ेगा, हाइड्रोजन तक हम प्लान करते हैं। लेकिन फिलहाल ईस्टर्न इंडिया में बंगाल हो, झारखंड हो, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, जो चार राज्य है ना, इन चार राज्यों में क्या है देखिए थोड़ा, इन चार राज्यों में क्या है देखिए थोड़ा, इन चार राज्यों में तीन चार चीज है, नेचुरल रिसोर्स भरा पड़ा है। इन चार राज्यों की लोग अगर नेशनल मार्केट में नहीं जाएंगे, बंगाली, उड़िया, झारखंडी, छत्तीसगढ़िया और बिहारी और पूर्व उत्तर प्रदेश के लोग अगर बॉम्बे, सूरत, चेन्नई, बेंगलुरु में ही जाएंगे, उनकी अर्थनीति गड़बंद हो जाएगा, यानी मैन पावर नहीं है, नेचुरल रिसोर्स चाहिए, मैन पावर नहीं है। उसके ऊपर जीएसटी के बाद जो टैक्स पैटर्न की परिवर्तन हुई, पहले प्रोड्यूसिंग स्टेट ज्यादा इंसेंटिव देते थे, मेरे वहां प्रोडक्शन करो मैं ये छह चीज कंसेशन आपको देता हूं। जीएसटी आने के बाद जो डिवैल्यूएशन इकट्ठे 50-50 हो गया, कंज्यूमिंग एंड प्रोड्यूसिंग दोनों को अधिकार हो गया, उससे कारण मार्केट की कैपेसिटी बढ़ गई। आपको मैंने गिना है ना 50 करोड़ लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी। अभी मुंबई की हाई परचेजिंग कैपेसिटी, बेंगलुरु की हाई परचेजिंग कैपेसिटी के लोगों में फर्नीचर आता है तो कहां से आता है, थोड़ा न्यू मिडिल क्लास होता है तो चाइना वाला चीज लेता है, यहां भी हम लेते हैं, थोड़ा और अपर कास्ट होता तो यूरोप से लेता है। इस 50 करोड़ लोगों की जो लाइफस्टाइल बदल रहा है, लोअर रैंक के लोग थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, न्यू मिडिल क्लास के रेंज में जा रहे हैं, ये कहां से लेंगे फर्नीचर? ये लेंगे ओरी प्लास्ट की चेयर लेंगे, नीलकमल की चेयर लेंगे, पॉली प्रोपिलीन से बना हुआ चीजों को यहां यूज करेंगे, मेडिकल इक्विपमेंट में टेक्निकल टेक्सटाइल यही लगेगी। ब्रांड कॉन्शियस हम उतने नहीं है जितना वेस्टर्न और सदर्न के लोग हो चुके हैं, हमको तो टिकाऊ और सस्ता चाहिए, इसलिए मैंने श्री लेदर वाला ब्रांड दिया। ये सारे करने में एक इंपॉर्टेंट रोल है पावर की। आने वाले दिनों में जिस प्रकार की अनबंडलिंग कोयले को हम किया है, जैसे हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन को किया है, इसमें पावर के रेट घटना चाहिए। पावर अगर एक रॉ मेटेरियल करके हम उपलब्ध करा दें 2.5-3 रुपया में पर यूनिट हम पावर उपलब्ध करा दें, तो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी इधर आएगा। जो ग्लोबल रिसफल हो रहा है डिस्ट्रप्शन के कारण, हमें सबको मिलकर कलेक्टिव विजडम वेलकमिंग मोड बना के, हमको अगर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की एक हिस्से को हम कहीं जो जहां पर ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न में डाले, बंगाल में डाले, झारखंड में डाले, बिहार में डाल दे, उड़ीसा में डाले, इसी बेल्ट में डालेंगे उसकी सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कोलकाता होगा।
सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कोलकाता होगा। इसलिए इसके की कंपोनेंट पावर, पावर को सस्ता करेंगे आने वाले दिनों में। लास्ट टू क्वेश्चन टू क्वेश्चन वन इज ऑन सोनार बंगला। यू नो इयर्स अगो आई वाज अ प्रोफेसर इन XLRI एंड आई इंटरव्यूड बीजू पटनायक on problems of economic reforms. And he mentioned, and he said, you can quote me, and that is in the Finance Ministry report now, that India is moving towards United States of India. India will balkanize. Because once upon a time, we said, the Planning Commission was responsible for taking care of backward states and backward regions, and the center was duty-bound to take care of these states. But now suddenly you say you are out of money, so you are talking about cooperative federalism, each state fends for itself, and we have seen the growth of regionalism. As you look at Indian politics with the uprising of regional forces who talk more about regionalism and talk about outsiders as Bahar Ke Aadmi, so you're not talking about India anymore. I somehow feel there's an echo of what Biju Patnaik had mentioned. Watch out, India is going to balkanize. How active is that fear today? That's my question to you. The second question is that I am with you when you say self-reliance, Atmanirbhar is the only answer. But your foreign exchange dollar value has fallen from 1 rupee, $1 to 74. So how can you be self-reliant if you're not self-sufficient? What is the way you learn foreign exchange unless you're using your MSME sector to earn foreign exchange, which is your plank of industry? So these are my two questions to you. Three questions. Thank you. Yes, I like that. That also. Okay. मैं देखो बीजू बाबू ने जिस समय में शायद अपने 90s में उनको इंटरव्यू किया था जब वो मुख्यमंत्री थे, इकोनॉमी तब खुल रहा था, ये बात सही है। तब उनके मन में जो शंका था, बीजू बाबू थोड़ा 20-30 साल पहले 40 साल पहले का सोचते थे, बीजू बाबू का वो विजन था, इसलिए बीजू बाबू को लोग याद भी करते हैं और उनको स्नेह भी करते हैं। कभी सोचो जब ओडिशा आप लोग देखे होंगे, बीजू बाबू 60s में सुकिंदा मैंने क्रोम एंड आयरन बेल्ट से पोर्ट तक, मैं नहीं जानता कि जो आपका खड़गपुर हाईवे से हल्दिया की रोड कब बना, हल्दिया की पोर्ट तो बहुत पुरानी होगी, लेकिन ये जो 70-80 किलोमीटर की स्ट्रेच है, अभी हमारा ये रोड ऐसे ही, उसके नीचे आप चेन्नई की ओर जाओ तो चंडीखोल एक जगह आता है, चंडीखोल टू पारादीप, वही 50-60 किलोमीटर की स्ट्रेच है। एक तरफ 50 किलोमीटर माइनिंग बेल्ट और 60-70 किलोमीटर, लगभग 150 किलोमीटर की रोड बीजू बाबू कब बनाया था? बीजू बाबू 60s में बनाया था, ये अलग बात है। बनाने के बाद उस बेल्ट में 5 सीट में हार गया था वो, कम्युनिस्टों ने उनके ऊपर बदनामी किया कि बीजू बाबू थोड़ी ना दिक्कत डेवलपमेंट के लिए रोड बनाया, वो अपनी ठेकेदारी करने के लिए, पैसा काटने के लिए, करप्शन के लिए रोड बनाया। इस पॉलिटिक्स समथिंग डिफरेंट थिंग, लेकिन बीजू बाबू की विजन वो था। बीजू बाबू एक फैन था, बीजू बाबू में जल्दबाजी थी। 90s में दादा वो विशेष सही था, 90s में वो विशेष सही था। स्टेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट में लिमिटेड रिसोर्स था, प्लानिंग बजट में क्या होती थी, इंदिरा जी जब आई बजट में स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम यूजली क्या होनी चाहिए, स्टेट की रिसोर्स ज्यादा होनी चाहिए कि वेलफेयर डेवलपमेंट की खर्चा स्टेट को ही करना है, यूनियन गवर्नमेंट के पास बड़े बड़े कामों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन मैडम गांधी के रिजिम पे एक मॉडल शुरू हुई, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, प्लानिंग कमीशन ने उन दिनों में योजना बनाई सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, 90-10 बाद में 60-40 इस रेशियो में, 50-50 रेशियो में काम चल रहा है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम की चक्कर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खर्चा बढ़ा, पिछले 40-50-40 सालों में ये खर्चा बढ़ा, उसके कारण स्टेट और सेंटर के अंदर थोड़ा तनाव भी हुआ कि रिसोर्स किसके पास ज्यादा रहना चाहिए।
इकोनॉमी खुली भी नहीं थी, उपाय भी कम था, इसीलिए बीजू बाबू की 90s के स्टेटमेंट सही था, उनकी सही यानी उनकी कंसर्न सही था। हम टूट तो ना जाएंगे कैसा, लेकिन दादा नहीं हुआ है। अब देखिए पिछले बीजू बाबू की 90s और ये पिछले 40 साल में क्या हुआ, 35 साल में क्या हुआ है। 35 साल में आप रायपुर को जाइए, मैं बहुत बेंगलुरु के उदाहरण नहीं देता हूं, रायपुर को जाइए, देखिए आप दार्जिलिंग को लीजिए, आप गुवाहाटी को लीजिए, आप भुवनेश्वर को लीजिए, मैं आसपास की 4-5 शहर बताता हूं, इनकी तुलना कलकत्ता से हो ही नहीं सकता, आज भी नहीं हो सकता। लेकिन उस समय में ये सब छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट चैंपियन टाइप के थे, आज कहां खड़े हैं, इसकी एक लिंक करना पड़ेगा आपको। इकोनॉमी ओपन अप को जो जैसे फायदा लिया है, आप थोड़ा साउथ को जाइए, आंध्र प्रदेश में आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाओ, आपको भारत की सारे ब्रांड की शोरूम मिलेगा, एक दो कॉरपोरेट हॉस्पिटल आपको मिलेगा, कॉरपोरेट हॉस्पिटल, उसमें तीन प्रकार की ट्रीटमेंट होती है, वेलफेयर स्कीम रिलेटेड ट्रीटमेंट होती है गवर्नमेंट स्पॉन्सर की, कमर्शियल रिलेटमेंट ट्रीटमेंट होती है, कॉरपोरेट ट्रीटमेंट भी होती है। उस इलाका में जो भारत सरकार की कंपनियां हैं वो उसी में से हाई खर्चा देकर कर भी लेते हैं। ये स्थिति आंध्र कर्नाटका इवन केरला महाराष्ट्र पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अपर पश्चिम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश तो कर लिए, राज्यों के पास रिसोर्स बढ़ी पिछले 6 सालों में। हमने 2-3 चीज कहे कि प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा बहुत क्लैरिटी है, 2012-13 में हम लोगों को एक बार एक दिन एक छोटी सी ग्रुप में उन्होंने समझाए थे कि हाउ डू वी मूव, सरकार हमारी आई नहीं, हम 12 की बात मैं कर रहा हूं, 12 दिसंबर की गुजरात इलेक्शन खत्म हो गया, उन्होंने 10-15 लोगों को लेकर बैठे कि कैसे 14 की लड़ाई कैसे लड़ेंगे, नैरेटिव क्या बनाएंगे। तब उन्होंने कहा था कि देखो जब तक ईस्टर्न पार्ट को हम जोर नहीं देंगे, पूर्वोदय नहीं करेंगे, तब हम नेशनल ग्रोथ की कल्पना करना बेईमानी होगा। थोड़ा पिछले 7 साल की 2-3 पॉलिसी रिपोर्ट, 2-3 स्कीम की कैपिटल स्पेंडिंग मैं आपके सामने रखता हूं जो बीजू बाबू को उल्टा बताता है। कोयला पहले किसको था, कोयला पहले कोल इंडिया के पास था, कोल इंडिया जितना उत्पादन करना चाहिए उत्पादन कर नहीं पाता था, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा, हमने कोयला को अनमंडल किया, कोयला कैप्टिव यूजर को भी दिया, कोयला मर्चेंट यूजर्स को लिए भी खोल दिया। फायदा किसको होगा, कोयले की नीलामी दिल्ली नहीं जाएगा, कोयले की नीलामी की पैसा संबंधित राज्य में रहेगा, बंगाल के कोई ब्लॉक अगर डांकोली में नीलामी होगा उसकी पैसा दिल्ली नहीं जाएगा, कलकत्ता की तिजोरी में आएगा, सो उड़ीसा, सो छत्तीसगढ़, सो झारखंड। मिनरल रिसोर्स की पहले कैसे, आयरन और कैसे दिया जाता था, क्रोमाइट कैसे दिया जाता था, आयरन क्रोमाइट पहले माइनिंग एलोकेशन हो जाता था, स्टेट्स को क्या मिलता था, स्टेट्स को मिलता था सिर्फ रॉयल्टी, अभी क्या है, अभी प्रीमियम मिल रहा है, अभी डीएमएफ मिल रहा है, हमने पॉलिसी रिफॉर्म किया, लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया से ज्यादा एनुअल अर्निंग इन 4 राज्यों को, बंगाल छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा, इन 4 मिनरल बेस्ड राज्यों को कोयला आयरन और बॉक्साइट मैंगनीज से पॉलिसी रिफॉर्म से मोदी जी ने राज्य को ज्यादा दिया, पहले नहीं था। इसलिए यह कहना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में मोदी जी ने कहा भाषण नहीं दिया, हाथ में भी पैसा पहुंचाया, एक ये एक प्रकार से पॉलिसी रिफॉर्म के आउटकम मैंने आपके सामने रखा। स्कीम्स में आता हूं, प्रधानमंत्री जी ने 2-3 चीजों में जोड़ दिया, 5 स्कीम मैं आपको बताता हूं, 5 स्कीम जो पिछले 7 साल में मोदी जी की फ्लैगशिप स्कीम कहा जाता है, व्हाट आर दे, एक है प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान, टॉयलेट कहां नहीं बने थे, टॉयलेट बंगाल में नहीं थे, टॉयलेट बिहार में नहीं थे, टॉयलेट उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड इस देश में टॉयलेट नहीं होता था, आज ओडीएफ
डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, ओडीएफ स्टेट बन चुका है। कैपिटल स्पेंडिंग टॉयलेट में वहां सबसे ज्यादा 60% ऑफ द एंटर नेशनल एवरेज बिलोंग टू दिस एरिया टॉयलेट। प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले घर 75,000 पर यूनिट था, इसको इन्होंने बढ़ा के 1,50,000 किया। 60% ऑफ द नेशनल एलोकेशन बिलोंग टू दिस एरिया। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में 4 करोड़ घरों में बिजली नहीं थी, बिजली पहुंचाया, उसकी 60% कनेक्टिविटी इसी इलाका में हुई। प्रधानमंत्री जनधन खाता खुलवाया, अभी अभी कोरोना में 1,500 रुपया डीबीटी करके महिलाओं को पहुंचाया, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी इसी बैंक में। खाता महाराष्ट्र के गांव में नहीं खुली तो पहले खुली थी कोऑपरेटिव मूवमेंट में, खाता नहीं खुली थी तो बंगाल के गांव में नहीं खुली थी, झारखंड में नहीं खुली थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सरकार के खर्चे से हम एलपीजी फ्री पहुंचाए, कनेक्शन दिए। 8 करोड़ में 5.5 करोड़ इसी बेल्ट में। इसका अर्थ क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल स्कीम की भी मेजर बेनिफिशियरी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। उतने में नहीं, मैं आपको और 2-3 कैपिटल स्पेंडिंग को उदाहरण देता हूं। सिंधरी फर्टिलाइजर प्लांट, गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट, बरौनी फर्टिलाइजर प्लांट, ये सब 60s में बना हुआ था। एचईसी की बनी थी बंगाल में, दुर्गापुर में था, हल्दिया में था, सब बंद पड़ हो गया है। ये सारे फर्टिलाइजर प्लांट को फिर रिवाइवल करने का हमने काम शुरू किया। नेचुरल गैस पहले वेस्टर्न पार्ट की चीज होती थी, सदर्न पार्ट की कमोडिटी होती थी। पहली बार हम लोगों ने, मेरे सौभाग्य है, मेरे को मोदी जी ने ऑयल एंड गैस की काम दिया। हमने 13,000 करोड़ रुपया खर्चा करके उत्तर प्रदेश से हल्दिया तक गैस पाइपलाइन डाला, और पिछले महीने में जनवरी में हमने फरवरी में दुर्गापुर तक उस गैस को पहुंचाई दिया। मैट्रिक्स जो प्राइवेट सेक्टर की फर्टिलाइजर प्लांट बनी है वहां पहुंचाई दिया। ये सब कैपिटल स्पेंडिंग है। अभी ऐसे नहीं कहना कि भारत टूटेगा। भारत सही मायने में नॉलेज को ओपन करना पड़ेगा। कई चीज आगे, मेरे को, मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले मैंने उड़ीसा और बंगाल की एक सीमा के गांव की, आपको, आप जलेश्वर से हो, चंदनेश्वर कहां है, नियर टू दीघा। मैं भुवनेश्वर से लौट रहा था, एक लड़का मेरे को मिला, नमस्कार करके परिचय दिया कि मैं आईटी इंडस्ट्री में काम करता हूं। तो मैंने जिज्ञासा, और क्या काम करते हो? ना सर, मैं बीपीओ चलाता हूं। तो मेरे जितने नॉलेज था, मैंने कहा कि भुवनेश्वर में, मतलब नहीं सर भुवनेश्वर में, सर दूर चलाता हूं। फिर मैंने कहां चलाते हो? तो बालेश्वर में। अच्छा अच्छा, बालेश्वर जिले में, बोले बालेश्वर टाउन में, बोला नहीं सर बालेश्वर टाउन में नहीं। तो कहां चलाते हो? सर मैं चंदनेश्वर में चलाता हूं। तो मेरे लिए 4 साल पहले एक नया इंफॉर्मेशन था यार, तुम चंदनेश्वर में, तुम तब तक मैंने पता कर लिया था कि तुम्हारे क्लाइंट कौन है, उसकी क्लाइंट एयरटेल है, क्लाइंट एयरटेल, एयरटेल की टेलीफोन की सर्विस की बीपीओ कॉल सेंटर कहां चलाता है? चंदनेश्वर में। मैंने उसको पूछा, यार चंदनेश्वर में क्यों? बोले देखो सर, चंदनेश्वर में 4 भाषा समझने वाले लोग मेरे को मिलते हैं। कल आपका ईस्टर्न इंडिया में, कल हमारी दिल्ली उल्ली में इंग्लिश समझना बहुत मुश्किल है, गांव में या छोटे टाउन में, टायर 2 टायर 3 सिटी में हिंदी इंग्लिश इज चैलेंज। आपके वहां इंग्लिश ठीक ठाक वर्किंग इंग्लिश हो जाता है, इंग्लिश में कोई पूछे तो कम से कम समझ लेते हैं, इंग्लिश इज ओके, हिंदी इज ऑल्सो ओके। नया पीढ़ी के लोग हिंदी को भी समझ लिए हैं, और बंगाली उड़िया तो वहां मिलते ही। देखो नॉलेज इकोनॉमी की इंपैक्ट क्या है, देखो कभी हमने कभी सोचा था? एयरटेल की ईस्टर्न इंडिया की वन ऑफ द बैक ऑफिस कॉल सेंटर विल स्टार्ट फ्रॉम बंचन फ्रॉम चंदनेश्वर, इज ए बॉर्डर टाउन ऑफ दीघा एंड उड़ीसा, बंगाल एंड उड़ीसा। ये नॉलेज इकोनॉमी की ताकत है, इसलिए ये ज्यादा आगे चलेगा। बाकी जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि भाई एमएसएमई, आप
फ्री वैलेंस करो, बजा रही है, 50 करोड़ लोग यही रहते हैं, उसकी डे टू डे चीजों को आप मैपिंग करो, यही बनवाना शुरू करो, सस्ता बनेगा, यहां की रोजगार आएगी, अफोर्डेबिलिटी रहेगा, इसी लो प्राइस कमोडिटी ग्लोबल मार्केट को भी चला जाएगा। अब इसी देयर इज नो डाउट ऑन दैट। अब एनी रोबस्ट इकोनॉमी बैकबोन इज एमएसएमई, एंड वी डू हैव, एंड आई बिलोंग टू दिस एरिया, एंड आई हैव ए ड्रीम, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव भारत की रिसर्जेंस ईस्टर्न इंडिया से होगी। इस बार बंगाल के चुनाव के बाद इसकी की जा रही है। सरकार किसी की भी बने, मैं आपको कह रहा हूं आज, सरकार किसी की भी बने, दिल्ली में बने या कोलकाता में बने या भुवनेश्वर में बने, दे हैव टू लुक इन टू दिस एस्पिरेशन। इस सोसाइटी की इस एस्पिरेशन को कोई रोक ही नहीं सकता है, करना ही पड़ेगा। Since you, I'll come back. Since you raised that MSME, unfortunately we have chairman of MSME, Mr. Dev Kumar Vasu. He is the chairman of MSME, Bengal Chamber of Commerce and Industries. So, Vasu sir, may I request you, if you can ask what is relevant questions that is bothering not only you, but entire MSME. Good evening, Minister Chief. If you see the history of Bengal and the eastern part of India, mostly you will find we are not so great in entrepreneurship. In general, I'm not talking of a few exceptions. Now, when Bengal used to lead India economically, even then, the entrepreneurs in this part of the country used to be not from Bengal. And for reasons, various reasons, they have left Bengal over the last 30-40 years. Now, it happens to be a perception. In order to achieve our Sonar Bangla, how do you think we can attack this perception in the minds of entrepreneurs? दादा, मैं जो अमेरिकन स्टाइल में, कोई अमेरिका में जो पहली बार मैं गया 2004-5 में, मेरे को एक चीज बड़ा गजब लगा। अमेरिकन को कोई प्रश्न पूछोगे उसको उस उत्तर में कहेगा येस एंड नो, मेरे क्या येस भी तो कह रहे हो, नो भी कह रहे हो, क्या कहना क्या चाहते हो? इसमें मैं आपको येस एंड नो कह देता हूं, लेकिन उसकी दो पहलू है। देखो, ये नहीं है, ईस्टर्न इंडिया के लोग एंटरप्रेन्योर नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं, ऐसा नहीं मानता हूं। ये क्राफ्ट्समैनशिप, ये स्किलफुलनेस, ये सारे चीज, आप कभी भी ईस्टर्न वर्ल्ड को जाइए, साउथ ईस्ट एशिया को जाइए, आपको पूरा भरा पड़ा यहीं के चीज मिलेगा। यानी आपके पास 100-200-300 साल पहले जो मेरीटाइम ट्रेड हुई, मेरीटाइम ट्रेड हुई, उसमें से गया तो यही चीज, आया कहीं से, गया यहीं से। इसलिए यहां एंटरप्रेन्योर होना नहीं चाहिए, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। यस, पिछले 40-50 सालों में इस पार्ट ऑफ इंडिया में, विशेष करके लिटरेचर में, इंटेलेक्चुअल स्पेस में, एक स्पेस कुछ मित्रों के हाथ में गई, जिन्होंने वेल्थ क्रिएटर को बैसिंग किया, संपर्क मंत्र को गाली दिया। मैं पॉलिटिकल उसको इंटरप्रेट आप लोगों के सामने नहीं करना चाहता हूं, आप उसको भली भांति समझते हो। जो एंटरप्रेन्योर हुआ उसको थोड़ा टाइट किया गया और सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक उनको थोड़ा अंडरमाइन किया गया, अरे यार तो पैसा वाला आदमी है। कंटेनमेंट इज डिफरेंट थिंग, गरीबी को कंटेनमेंट नहीं कहा जा सकता। गरीबी जो अभिशाप, गरीबी जो कर्ज, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं हमारे उड़ीसा में, बंगाल में फिर भी तो हमसे ज्यादा फायर है, हम उड़ीसा लोग थोड़ा और आराम से चलते हैं। किसी ने कहा कि चैतन्य देव लोगों को गरीबी और कंटेनमेंट की कंफ्यूजन करा दिए। अरे ठीक है यार, थोड़ा दाल चावल, थोड़ा नमक, थोड़ा मछली हो जाए, अच्छा है, बहुत सोचो मत। जो फायर होनी चाहिए ना, वेल्थ क्रिएशन इस सोसाइटी में था, नहीं तो
कभी मैं आप सोचो यहाँ तो मुगल आक्रमण के कारण यहाँ के सारे पुराने मोनूमेंट टूट गए होंगे। कोणार्क, पुरी और लिंगराज तीनों मंदिर आप जाते हैं 800, 900, हजार साल पुराने मंदिर हैं। क्या आर्किटेक्ट है, क्या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, क्या कार्विंग है, कितना रिसोर्स लगा होगा। तो सोसाइटी अगर संपन्न नहीं होता तो बनाते क्या? आपकी इक्कत, आपकी टेक्सटाइल, बंगाल की टेक्सटाइल, दुनिया की कौन सी टेक्सटाइल को पीछे छोड़ नहीं सकता है बताओ। यहां की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मालदा की आमसरा को ठीक से अगर पैक करके हम पहुंचाएंगे, अमेरिका यूरोप का मार्केट हम खा सकते हैं। आई एग्री विथ यू, देयर हैज टू बी न्यू नैरेटिव, देयर हैज टू बी न्यू ब्रांडिंग, एक डिसरप्शन। अभी हमको कभी कभी लगता है कि ये जो कोरोना हमको एक मौका दिया है, ये जो डिसरप्शन हुआ है उसको डिसरप्शन से ही न्यू पोजिशनिंग करने के आसान होता है। लेट अस डू दैट। प्लीज प्लीज पीछे। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ राणा है। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि आप तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड स्टील के मिनिस्टर हैं, तो ये आने वाले दिनों में आप बंगाल ऑयल रिजर्व के बारे में क्या सोचते हैं? तो एक तो आप, हम लोग आभारी हैं कि दिसंबर 2020 में आपने अशोकनगर को डेडिकेट किया पहली बंगाल में नेचुरल ऑयल रिजर्व। एंड और एक मेरी इसके साथ जुड़ा हुआ जो सवाल है, दैट इज दैट हाउ आर यू गोइंग टू डेवलप दिस महानदी बेसिन अंडमान का जो है आपके एनडीए, एंड टू मोर वेल्स यू आर थिंकिंग दैट यू विल बी डेडिकेटिंग इन द नियर फ्यूचर, यू विल बी एक्सप्लोरिंग दैट। एंड सेकेंडली एज रिगार्ड्स द स्टील प्लांट्स इन बंगाल, देयर आर व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ दिस एलिंग पब्लिक सेक्टर। एंड क्योंकि मैं उड़ीसा के हूं तो मेरा ये सवाल आपसे पूछना, मैं जायज समझता हूं कि उड़ीसा में जो है पश्चिम उड़ीसा जैसे कि संबलपुर, बरगढ़, बलांगीर, इन जगहों को कैसे और डेवलपमेंट हो जाए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप क्या ऑयल सेक्टर से हो? नहीं, मैं स्टील सेक्टर से। तो इतने ऑयल की खबर रखते हो, थैंक यू। देखिए, बहुत दिनों के बाद, लगभग लंबे अर्से के बाद, जो हमारे देश में ओएनजीसी काम करता है, आज मैंने कहीं घूमते घूमते हैं ओएनजीसी की बोर्ड देखा, इस सॉल्टलेक एरिया में कहीं ओएनजीसी की ऑफिस है। ओएनजीसी की जो पूर्व फर्म है जियोलॉजिकल सर्वे जीएसआई, जीएसआई की ऑयल एंड जीएसआई तो ही है ना, कोलकाता में है। भारत में जब ऑयल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, जिस समय में आसाम में तेल मिला, दुनिया में, मैं कह रहा हूं दुनिया की, उस समय में पेंसिल्वेनिया में भी तेल मिला। ये जो रॉक फेलर ग्रुप है ना, जो तेल उल से निकल कर दुनिया के बड़े फिलंथ्रोपिस्ट बन गए हैं, वो मूल तो तेल वाले हैं और पेंसिल्वेनिया उन्हीं के हाथ में रहा। वो कहां से कहां पहुंच गया और हमारे आसाम की तेल कहां से कहां रहा है। उस समय में जीएसआई की कल्पना थी, हमारी जियो साइंटिस्ट की भी कल्पना थी कि तेल तो आता है कोई रिवर वैली में, समुद्र और नदी जहां मिलन होती है उसी में से, कभी वल्कैनो आया होगा, कभी जो टेक्टोनिक शिफ्ट हुई होगी वही तेल होगा जो आज भारत में, जो भारत में हमारी वेस्टर्न पार्ट में मिलती है। ऐसे यहां भी होनी चाहिए ऐसे मान्यता थी, लेकिन कैसे कैसे करके हो नहीं पाया, सर्वे ठीक से हो नहीं पाया। अभी लेकिन हमको ओएनजीसी वालों ने बताया कि अशोकनगर में जो क्वालिटी की तेल मिली है, कमर्शियल प्रोडक्शन भी सक्सेसफुल हो गया है, उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। 3,500 करोड़ रुपए की खर्चा अभी तक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन लेवल तक ले आने में खर्चा हुई है। दो चीज उसमें अच्छी हुई है, रिजर्वेयर की साइज थोड़ा टेंटेटिव है लेकिन है, ठीक ठाक है। टेस्ट ऑयल कभी कभी मिल जाता है लेकिन वो रिजर्वेयर साइज नीचे क्या है किसको पता, लेकिन इसकी जो मेरे को ब्रीफिंग किया गया साइज ठीक ठाक है।
20-25-30 साल चलने लायक ठीक ठाक का साइज है। दूसरा, जो क्वालिटी ऑयल मिली है ना अशोक नगर में, जिस क्वालिटी की ऑयल मिली है, ये दुनिया की एक बेहतरीन क्वालिटी की ऑयल, लाइट और स्वीट, ये कॉम्बिनेशन पर्याप्त होता है अशोक नगर की ऑयल। यानी आप उसको ऐसे ही गाड़ी में डाल के चला सकते हो, इस प्रकार की अच्छा ऑयल उसको मिला है। हल्दिया में उसकी टेस्टिंग भी हो गया है, अच्छा होगा। लेट अस सी, माँ काली का आशीर्वाद रहे तो वह नया इकोनॉमी बंगाल में, ऑयल इकोनॉमी भी जुड़ जाएगा। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में महानदी से लेके अंडमान तक, हुगली महानदी और जो बाकी छोटे छोटे नदियों की रिवर से मिलने की पॉइंट अप टू अंडमान, इस बेल्ट में अंडमान की तरफ क्या होता है कि सी बेल्ट स्टेबल नहीं है। आपने कभी सब सुना होगा अंडमान में थोड़ा टर्बुल होते रहता है, जहां हमारी तेल है वहां हम ठीक से काम नहीं कर पाते। दो कारण से, तो थोड़ा मिलिट्री की इलाका है, वो एक अनुमति वगैरह की इश्यू रहता है। दूसरा कि सी बेल्ट स्टेबल नहीं है, सी बेल्ट ऐसे 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 होते रहता है, वो एक जियोलॉजिकल चैलेंज है, उसको वहां काम कर रहे हैं। बाकी देखो पीएसयू स्टील कंपनियां रहेंगे, सेल तो रहेगा, सेल को ठीक रखवाना ही पड़ेगा। बंगाल में दो प्लांट्स है, दुर्गापुर और बनपुर, अच्छे प्लांट्स है, उनको थोड़ा और इन्वेस्टमेंट लगा के थोड़ा उसको अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन स्टील एक फ्री कमोडिटी हो चुका है, मैं आपको ये, आप तो ज्यादा मेरे से समझोगे, 1.5 लाख टन 150 मिलियन मेट्रिक टन कैपेसिटी स्टील की हमारी बनाने की कैपेसिटी है, जिसको 300 मिलियन टन तक लेना पड़ेगा। इस 150 में सरकारी कंपनियां कुल मिलाकर 20-25 मिलियन टन है, बाकी प्राइवेट सेक्टर में आए हैं, अच्छे लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, छोटे वाले भी अच्छा कर रहे हैं, बड़े कंपनियां भी अच्छा कर रहे हैं। स्टील प्राइवेट सेक्टर ड्रिवेन ही होगा, पीएसयू रहेगा, कुछ क्वालिटी स्टील उनके माध्यम से बनाएंगे। बाकी जो आपने कहा कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा की, वहां कुछ कर सकते हैं, मिनरल रिसोर्स खूब है, एग्रीकल्चरल बेल्ट है, फूड प्रोसेसिंग की नया नया उपक्रम वहां लगा जा सकता है, कुछ कर ही रहे वहां। डॉक्टर मिश्रा विल कम बैक टू यू लेटर। और तीन प्रश्न अच्छा, लास्ट थ्री क्वेश्चन। हेलो सर, आई एम डॉक्टर गौतम सरकार एंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो सर, आप जो सोनार बांग्ला को जो प्लान कर रहे हैं, तो विदाउट एजुकेशन तो नहीं होगा ना? तो वेस्ट बंगाल में लास्ट 44 इयर्स में बंगाल का जो एजुकेशन है पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया। पहले दूसरे स्टेट से कोलकाता में आते थे पढ़ने के लिए, अब क्या हो गया, अब उड़ीसा में जा रहा है किट में पढ़ने के लिए। दिल्ली का मिरांडा हाउस का ज्यादा नॉलेज रखते हैं हमारा जो स्टूडेंट है, मेरे बेटी भी बाहर है लखनऊ में नेशनल कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो जैसा हर चीज, जिसका पास पैसा है तो दूसरा स्टेट में चले जाते हैं, भाईजाग में भी जाते हैं, लेकिन जिसका पास पैसा नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री इकोनॉमिक्स कोई एक ऑनर्स कोर्स पढ़ने के लिए, बीकॉम कोर्स पढ़ने के लिए यूनियन को पैसा देना पड़ता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री उसके लिए 50,000-70,000 भी देना पड़ता है यूनियन को। तो ये सोनार बांग्ला में जो हमारा नया सरकार बनेगा, तो आप इसके बारे में कुछ सोचा है, जो ऑनलाइन एडमिशन होगा या एजुकेशन पूरा के पूरा? देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपके कई सारे कंसर्न को एड्रेस किया गया है, इसीलिए तो परिवर्तन के आशीर्वाद आपसे मांगने आया हूं। क्यों चाहिए ये सारे बदलने के लिए चाहिए? आप आशीर्वाद करिए, बाकी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नमस्कार सर, मैं राष्ट्रभाषा हिंदी में आपसे सवाल पूछूंगा। आई एम सीईओ ऑफ एचआईटी इंडिया, अंग्रेजी में बोलना पड़ता है किसकी, ताकि लोगों को पता रहे, थोड़ी सी गलती माफ की जाए। बंगाल सुनार बांग्ला बनेगा, बट इस क्षेत्र में जो एम्प्लॉयबिलिटी है और एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों एक बड़ा सब्जेक्ट है। एम्प्लॉयबिलिटी यानी कामगारी के लिए आपके पास कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है,
आप अच्छे एजुकेशन दे देंगे, आपने 150 मिलियन टन बोला, बहुत अच्छी बात बोली, बट स्टेटिस्टिकली हमारा कंपैरिजन जो है चाइना से है, जो 700 मिलियन टन बनाता है सर स्टील। हाँ चलिए, बट हम इफेक्टिव प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। हम बहुत स्टीप कंपटीशन में है, वर्ल्ड एक बहुत बड़ा इकोनॉमी है। इम्प्लॉयबिलिटी का सर जो सब्जेक्ट है, उसके लिए हमारी सरकार जो आने वाली है, जिससे जनादेश दे सकती है, दे दी होगी अब तक, या मन बना चुकी होगी। इम्प्लॉयबिलिटी बंगाल के लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके लिए सर आपके पास क्या हमारे लिए मार्गदर्शन है, कृपया बताएं। देखिए, आपने सही प्रश्न पूछा। देखो, चाइना होना तो बिल्कुल कंपेरिजन में मत करो, चाइना कुछ नहीं है। देखो, एक अहंकारी धनी आदमी का नाम है चाइना। हम कहते थे कभी कम्युनिस्ट मित्रों से लड़ते लड़ते कहते थे कि भाई आप क्या ये जिंदगी पसंद करोगे, आपको सारे चीज सोने की थाली में दिया जाएगा, सारे चीज भौतिक चीजों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा, लेकिन आपको सुबह और शाम दो चप्पल में मारा जाएगा, आप स्वीकार करोगे क्या? उसी का नाम है चाइना। मैं कई इलाका में घूमता हूं, देश विदेश के नेताओं से मिलता हूं, जो चाइना से एक बार हाथ लगाया वो राम राम कहा। वो चिंता मत करो, चाइना उन्होंने चाइना आदि, चाइना का अपने एडवांटेज है, चाइना की छोड़ दो से। आपकी हमारी जो चिंता है, हमारे देश में मैं एक अनुमान करके कह सकता हूं, उड़ीसा की कंपेरेटिव स्टडी कर सकता हूं। उड़ीसा में प्रति साल 2% की पॉपुलेशन ग्रोथ में, बंगाल में भी वही इतना ही हो रहा होगा। 4.5 करोड़ आबादी में, 4 करोड़ आबादी में 8 लाख लोग नए जन्म होते हैं। बंगाल में 10 करोड़ में वो संख्या 20-1 लाख हो रहा, पर थोड़ा यहां ग्रोथ ज्यादा होगा। 20 लाख नौजवान प्रति वर्ष जन्म होते हैं, शिशु जन्म होते हैं। ये अगर 20 लाख का काम करने की आयु 15 साल के बाद होती है, उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है 5-6 सालों में से, इसलिए 5 साल की या बचपन से उसकी न्यूट्रिशन की प्लान करना पड़ेगा। 20 लाख इंटू उसको 20 साल तक कैलकुलेशन कर दो, 20 लाख प्रतिवर्ष इंटू जो इसी साल जन्म हुआ और उसको जब तो 20 साल होगा, कितना हुआ? 20 × 20 4 करोड़। बंगाल की चिंता इस 4 करोड़ की है, नॉट ओनली एम्प्लॉयबिलिटी, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूट्रिशन फूड, स्टार्टिंग फ्रॉम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम फिर फॉर्मल एजुकेशन। सबकी नसीब में हायर एजुकेशन नहीं होती है, मां बाप की चिंता है, पढ़ाने की ताकत नहीं है। मैं नंदीग्राम में घूम रहा था, मैंने वहां चीज का कॉम्बिनेशन मार्क किया है। बंगाल में महिला सशक्तिकरण सोसाइटी में है, बहन चलाती छोटी सी चाय की दुकान, तुम्हारे पति क्या करता है? छोटा गाड़ी चलाता है, बैटरी का जो गाड़ी आ गया ना, छोटा गाड़ी चलाते हैं। दोनों को आमदनी कितना होता है? 300 रुपया हो जाता है, खर्चा उपचा जाके 250-300 रुपया हो जाता है। 300 यानी कितना हुआ? 300 यानी 8-9 हजार रुपया हुआ, 9 हजार। सब दिन तो काम नहीं होता है, 30 दिन तो काम नहीं होता है, संडे हो गया, बाकी चीज हो गया, 7-8 हजार। 7-8 हजार कोई सम्मान की जिंदगी 4 लोगों के लिए नहीं होगा, 4-5 लोग उसके परिवार में सदस्य हैं। ये सारे की उत्तर किसमें है? सारे की उत्तर एजुकेशन में है। आपने भी उसी को पूछा, आप भी उसी को पूछ रहे हो। इसमें एजुकेशन, नॉलेज, एम्प्लॉयबिलिटी। एजुकेशन ऐसे हो जिसमें नॉलेज भी मिले एंड एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़े, इसी पे जोर देना पड़ेगा। इसीलिए कभी कभी मैं, फिर मैं पॉलिटिकल कार्यकर्ता तो हूं ही, लेकिन मैं एक सामाजिक जीवन की विद्यार्थी भी हूं। कभी कभी मैं मेरे जिंदगी की, जितने मेरे से बहुत अनुभवी लोग आपको, मेरे को 51 ईयर हो गया, 5-6 साल के बाद मेरे को थोड़ा बचपन की घटना याद है, उसकी पहले याद नहीं है। अरे लगभग 40-45 साल की कहानी मेरे दिमाग में है। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये जो साइकिल घूमता है ना, एक एक का साइकिल घूमते घूमते जगह पे टाइम आता है। आपुन का भी टाइम आएगा, हिंदी में गीत था ना, अभी ये आपुन का भी टाइम है ईस्टर्न इंडिया के, चिंता मत करो। ये जो प्रश्न है ना, एम्प्लॉयबिलिटी ढूंढ के लेके आइए,
क्या देखो मेरे को, मैं इसकी पहले जो सरकार मैंने मोदी जी की एनडीए पार्ट वन में मैं स्टील डिपार्टमेंट का कुछ दिन काम देख रहा था, तब मैंने वहां स्टडी किया, ये जो सारे स्ट्रैटेजिक्स मेरे मुंह पे आया अभ्यास हुआ उसी समय का मेरा अंडरस्टैंडिंग बनी। उसमें मैंने एक जानकारी लिया कि वर्कप्लेस चेंज हो रहा है। अभी हमको ये सोमिया मिली बाजा जी की बेटी, वर्ल्ड बैंक में काम कर रही, कहां से कर रही काम, सॉल्ट लेक में बैठ के काम कर रही है, पहले कल्पना नहीं कर सकते थे। मेरे को हमारे एलन मित्तल बीच में फोन किए, कोरोना चल ही रहा था, दुनिया के बड़े स्टील व्यापारी है, मैंने पूछा कि मित्तल साहब क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, बोले कि धर्मेंद्र जी एक चीज तो प्रूव हो गया, कम खर्चे से बिजनेस उतना ही चलाया जा सकता है, कोरोना ने सिखाया। कैसे, बोले कि हम तो घर से ही कर रहे हैं, सब लोग चल ही रहा है, डिसरप्शन नया ऑप्शन भी देता है, नया ऑप्शन का अर्थ है किसी ने कभी ऑक्सीमीटर, इस बीच में हम सभी लोगों ने क्या क्या होगा झेला होगा, ऑक्सीमीटर पीपी किट वैक्सीनेशन ये पहले था क्या हमारी नैरेटिव में, पीछे सैनिटाइजर ये पिछले साल भर की सब हमारी वोकैबुलरी में आया है, ये सिर्फ वोकैबुलरी में आया नहीं, इसमें इकोनॉमिक्स भी है, उसमें ट्रेड भी है, उसमें कमर्स भी है, उसमें एम्प्लॉयबिलिटी भी है, एक इसलिए मैंने कहा कि बुद्धिमान सोसाइटी इसको कैप्चर कर सकता है, बुद्धिमान सोसाइटी इसको कैप्चर कर सकता है। पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हम दिखते रहे, दूसरे में हमने मजदूरी किया, तीसरे में हमने बुद्धि लगाया, चौथे में मालिक बन गए, सुंदर पिचाई सत्य नडेला अपने अपने कंपनी में इक्विटी होल्डर बन चुके हैं, कभी वो नौकरी नहीं कर रहे। अभी हमारी योग सारे कोरोना वगैरह में और एक विंडो खुला कि डिजिटलाइजेशन इंटरनेटाइजेशन के कारण दुनिया मुट्ठी में आ चुका, फिंगर टिप्स में आ चुका है, इसको कैप्चर कौन कर सकता है, मौका सभी को आता है, सब कैप्चर नहीं कर सकते हैं, बुद्धिमान आदमी कर सकता है, मनाली लोग बुद्धिमान है, आप ज्यादा कैप्चर करोगे। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, ओके, देन डॉक्टर मिश्रा विल हैव टू, नो यू वांटेड टू आस्क दिस प्लीज। अभी इतना टाइम तो बहुत कॉर्पोरेट का बात सुना था, अभी थोड़ा सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बारे में कुछ बताइए। मेरा एक फैक्ट्री था, उसमें साल भर 10,000 पीस का आसपास स्टेबिलाईजर इन्वर्टर का मैन्युफैक्चरिंग होता था, अभी वो बंद करना पड़ा, इसीलिए यहाँ का जो मार्केट है इसमें बहुत चीज का बहुत महंगा हो गया। क्या बनाते थे आप, क्या बनाते थे? इन्वर्टर स्टेबिलाईजर, एसीली वाला, वो माइक्रोटेक वाला आ गया, उसका सस्ता है, इधर तो बहुत कस्टिंग हो गया ना, सामान का बहुत कस्टिंग हो गया, ठीक करना पड़ेगा। आई एग्री विद यू, हम उस उसमें लगे हैं। अभी जो आपने अभी देखा होगा, भारत सरकार एक प्रोडक्शन लीक इंसेंटिव देना शुरू किया है, लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया हम इंसेंटिव ऐसे छोटे उद्यमियों को देंगे, सारे सेक्टर में देंगे। इसमें हाथ पकड़ के, मैं पेट्रोलियम विभाग का मंत्री हूं, स्टील विभाग का भी मंत्री हूं, दोनों को थोड़ा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हम पेट्रोलियम विभाग में कभी पूछते हैं कि भाई तुम ये जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के करते हो इसका अर्थ क्या है, मैं पूछता हूं, जो ग्लोबल अमेरिका एफपीआई हमारे अमेरिकन पेट्रोलियम इंडस्ट्री स्टैंडर्डाइजेशन है, इसमें क्या है, इसमें रॉकेट साइंस क्या है, ये कौन सी बाइबल में लिखा है कि पेट्रोलियम सेक्टर में एपीआई का मानक माना जाएगा, हमारी भारत की सारी इक्विपमेंट नहीं लगा होगी, इसको निर्णय करना पड़ेगा, हमने उसको बदला है। भारत की स्टील पाइप मेकर को हमने कहा कि आप एपीआई ग्रेड की स्टैंडर्ड ही बना लो,
उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक दो बार टूटेगा, रेक्टिफाई करोगे कर दो। इसमें सिर्फ एग एंड चिकन की स्टोरी है। भारत के लोगों के लिए टेंडर करो तो थोड़ा कैटल बनता है, महंगा होता है। भारत के लोगों के लिए थोड़ा हैंड होल्डिंग ना करो तो काम बाहर चला जाता है। इसलिए इन बिटवीन ये छोटे लोगों को दिक्कत होता ही है, ये तो किसी की सेकेंडरी सप्लायर है ना, तो ये दिक्कत होती है। इसलिए इस सारे आत्मनिर्भर की कवायद यही है कि चलो दो चार साल पकड़ के ना इसको रिसफल करना पड़ेगा, रिबैलेंस करना पड़ेगा, हमारे लोगों के महत्व बढ़ाना पड़ेगा, गुणवत्ता भी बढ़ानी पड़ेगी, जो हम ग्लोबल मार्केट को भी जा सकते।